भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज बृहस्पतिवार से करेगी। आम आदमी पार्टी को घेरने की योजना के तहत पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से सुझाव लेगी। बेहतर सुझाव पर चुनाव में स्लोगन बनाने से लेकर विपक्ष को घेरेगी। इसके साथ ही पूरी दिल्ली में 49 प्रचार रथों को उतारा जाएगा। इसके जरिए पार्टी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जनता से सुझाव लेगी। सुझाव के साथ ही प्रचार रथ के माध्यम से भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराएगी। प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी 49 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस माध्यम से रायशुमारी भी की जाएगी। रायशुमारी के आधार पर ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मूलभूत सुविधा देने की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा प्रभारी श्याम जाजूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा ने कहा है कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से हिंदू शरणार्थियों को दिल्ली सरकार वंचित कर रही है। यह मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि सिग्नेचर ब्रिज व मजनू का टीला शरणार्थी कैंप का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। मुलाकात के बाद श्याम जाजू ने बताया कि नागरिक संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता का दर्जा शरणार्थियों को प्राप्त हो। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अगस्त में बढ़ाए गए परीक्षा शुल्क को लेकर गुमराह कर रहे हैं। 4 माह पहले बढ़ाई गई फीस में भाजपा का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि CBSE एक राष्ट्रीय संस्था है और केंद्र शासित दिल्ली इस दृष्टिकोण से इसका एक हिस्सा मात्र है। भाजपा को इस मामले में घसीटना आम आदमी पार्टी की ओछी राजनीति का हिस्सा है। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।